हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरी वॉइस आ रही होगी अच्छे से, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और मैं अच्छे से दिख रहा हूँगा आपको। आज का विषय काफ़ी अच्छा है और मैं आज आपसे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ मैथ की तैयारी के ऊपर। ठीक है, तो सभी विद्यार्थीगण जो मेरे से जुड़ गए हैं, तो जल्दी से बता दीजिए कि सबको मेरी वॉइस सब अच्छे से क्लियर आ रही है ना, और सब मुझे सुन पा रहे हैं ना, जल्दी से मुझे बता दो। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो विषय है तैयारी का, किस तरह से हम तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा माहौल थोड़ा ऐसा ही हो चुका है कि सभी जगह जहाँ भी आप पढ़ते होंगे या फिर हमसे ही अगर पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको ये पता है कि प्रिपरेशन करते रहना बहुत ज़रूरी है। समय कैसा भी हो, हमें तैयारी करनी है। ठीक है, मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ, और बेस्ट कंटेंट को आपको लेना है। तो मैथ की तैयारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, इस किसी भी मायने से ले लीजिए। आप अगर रेलवे के लिए देख रहे हैं तो इसमें आपका ग्रुप डी हो गया, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम इसके अंदर चलते हैं, NTPC भी इसके अंदर चलता है, DRDO हो गया, DRDO जिसमें अभी अभी नई नई वैकेंसीज आई है, जिसकी तैयारी भी लोग अच्छे जोरों शोरों से कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक की बात हो गई, बैंक की भी तैयारी लगातार चल रही है, SSC के तो पेपर ही लगातार आ रहे हैं, आने वाले समय में CGL का दोबारा से नोटिफिकेशन आ जाएगा, CHSL अभी पेपर होने वाला है उसका, CPO भी आने वाला है। तो जब सब चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही होती है, तो बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा कोरोना वायरस ले लीजिए, कोई भी वजह ले लीजिए, आपको समय मिल गया है, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, अब बहुत सारे, अब जैसे अभिषेक मिश्रा पूछ रहा है, मेरा भाई बोल रहा है कि सर जॉब करता हूँ, समय नहीं मिलता है। तो अभिषेक, मैं अब हर किसी विद्यार्थी से, जो भी विद्यार्थी मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर टाइम नहीं मिलता है, टाइम तो आपको अपने सिलेक्शन के लिए भी निकालना पड़ेगा, टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत नहीं है, बस आप एक सही तरीके से पढ़ें, सही तरीके से, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे वो अनअकैडमी हो, लेकिन सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी फैकल्टी आपके लिए काम कर रही है, आप इतना तो आप परख रखते होंगे ना किसी भी टीचर की या फिर किसी भी मतलब कोई भी आपको पढ़ा रहा है कि हाँ इनके पढ़ाने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट वाली चीज़ होती है, किसी के कहने या ना कहने से ये कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको अगर उसका समझ में आता है तो डेफिनेटली आप उससे पढ़ सकते हैं, आपको अगर यूट्यूब पे समझ में आता है तो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, अगर आप अलग से कहीं जॉब करते हैं या फिर आपके पास टाइम की बहुत किल्लत है या फिर आप अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बहुत सारे तरीके बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं सर। RRB का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगा? अभी डेट का नहीं पता है ना डियर, अब जिनका डेट पड़ा है पता है वो भी पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई नोटिस नहीं आया है, तो अभी चीज़ें वैसी भी हैं देश में, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अपनी पढ़ाई को क्या करना है, रोकना नहीं है, पढ़ाई को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बातें करूँ आगे इसके बारे में, मैथ की तैयारी के बारे में, तो मैं हर एक चीज़ बताऊँगा कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कैसे कैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रुप डी में मेरा अर्थमेटिक का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, यानी कि पहले मैं उसका बेसिक पढ़ाता हूँ, पहले मैं उसका बेसिक पढ़ाता हूँ, यानी कि थ्योरी जिसको कहा जाता है, उस थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन लिए जाते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो, मेरा ग्रुप डी में, रेलवे में। ठीक है सर, DRDO और ग्रुप डी के सिलेबस सेम है तो दोनों एक साथ तैयारी हो जाएगी क्या? हाँ पंकज, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन DRDO में कुछ टॉपिक अलग होते हैं, जैसे कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और एडवांस मैथ DRDO में नहीं आता है प्री एग्ज़ाम में, तो इस वजह से तो मैंने अलग अलग प्लान किया है आपके लिए। अगर आप रेलवे के एस्पिरेंट हैं तो मेरा कंप्लीट अर्थमेटिक का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप DRDO के लिए देख रहे हैं तो DRDO में मेरा क्या चल रहा है, कंप्लीट कोर्स चल रहा है, मिल रहा है मतलब वो, और 15 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं मेरे, दो तीन प्रैक्टिस सेट तो हो ही चुके हैं वहाँ पर, दो तीन प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ, दो करवा चुका हूँ, दो तीन क्या, दो प्रैक्टिस पेपर हो चुके हैं। तो इसमें देरी ना करो आप, जिससे कि आप क्या तैयारी कर सको अच्छे तरीके से, दो प्रैक्टिस पेपर मैं यहाँ करवा चुका हूँ। सर NTPC का टेस्ट वाईफाई पे दे दिया क्या? दे दीजिए फ्री में। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि NTPC का जो टेस्ट है ना, वो मैं वीकली लेता हूँ आपके लिए, आपको याद होगा, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप मेरे से आज पहली बार जुड़े हैं, तो थर्सडे को एक टेस्ट आपका फ्री होता ही है, तो आप ये मत कहो कि सर फ्री टेस्ट नहीं है, तो फ्री टेस्ट वहाँ पर है। ठीक है, हाँ,
तो बिल्कुल शुरू करेंगे, बहुत आर्ट का सेशन भी जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन आप अभी देखो मैथ की तैयारी के लिए देख रहे हो, तो आप डीआरडीओ की भी तैयारी कर सकते हो, रेलवे के हो तो रेलवे की कर सकते हो, आप हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आप एसएससी के हो तो एसएससी में मैंने शानदार कोर्स आपके लिए बना रहा हूँ नया मेंस पर, और साथ के साथ मेरा सीएचएसएल का कोर्स भी वहाँ पर मिल जाएगा, सीजीएल का भी मिल जाएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ अनअकैडमी ऐप के माध्यम से, ये ध्यान रखना मेरी बात, अब कान खोल कर सुन लो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अनअकैडमी ऐप पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको केवल एक सब्जेक्ट मिले, आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगी, एक सब्जेक्ट नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस के हिसाब से हैं वो आपको मिलने वाली हैं। और एक टीचर नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे टीचर मिलेंगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ने के लिए। तो ध्यान रखें एग्जाम बेस्ड कंटेंट की तरफ ध्यान दें, ठीक है। हाँ रेलवे ग्रुप डी कब होगा इसका कोई नोटिस नहीं है अभी, तो हम कोई ऐसे मतलब झूठी बातें नहीं कर सकते, है ना। चलिए तो आपको करना क्या है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप अनअकैडमी पर जुड़कर आप अपनी तैयारी को अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। आपको जो कोड यूज़ करना है वो साहिल 10 करना है, SAHIL 10 विदाउट एनी स्पेस विदाउट एनी गैप। आपको 10% डिस्काउंट के लिए साहिल 10 कोड लगाना है अनअकैडमी पर। सर कैसे लगाना है ये बता देता हूँ आपको, तो देख लीजिए मेरा कोर्स आप ले सकते हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि केवल मेरा ही मिलेगा। साहिल 10 आपको लगाना कैसे है, बिना किसी गैप के लगाना है, साहिल और 10 के बीच में कोई गैप नहीं देना। सर सभी एग्जाम के लिए कोई कॉमन टेस्ट होने वाला है क्या? हाँ इरशाद, इसी इसी में क्या हो रहा है रेलवे, मुझे लगता है इसी वजह से डिले भी हो रहा है, जो रेलवे का आएगा आपका एग्जाम है ना वो डिले भी इसी वजह से हो रहा है कि जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है, लेकिन अभी इसका कुछ अंदाज नहीं है कि कब तक सरकार करे, क्योंकि इस पे विचार चल रहा है। तो क्या सभी एग्जाम की एक ही तैयारी होगी, और सिलेबस क्या होगा? वही अपना रेलवे वाला सिलेबस होगा जो रेलवे एसएससी का है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप अगर अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो जो लोग अभी सो रहे हैं वो जाग जाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी करो, साहिल 10 आपको कोड लगाना है अनअकैडमी पर। हाँ कैसे लेंगे, अब मेरी बात सुन लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। कैसे लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में उसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल कर लोगे ना तो इंस्टॉल करने के बाद वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही आपको क्या करना है, अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हो, मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर आप रेलवे के हो तो रेलवे का, अगर आप आरपीएससी पटवारी के हो तो आरपीएससी में मेरी क्लास चल रही है तो भी आप जुड़ सकते हो, अगर आप यूपीएससी के हो तो यूपीएससी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बैंक के हो तो बैंक वाले बच्चे, एसएससी के हो एसएससी, मतलब आप किसी के भी हो, इसमें से आप अपना गोल सेलेक्ट करोगे। पहले आप अपना गोल सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, सीडीएस एफ कैट सीएपीएफ, ये आपको गोल सेलेक्ट करना है डीआरडीओ के लिए, एसएससी वाले एसएससी, रेलवे वाले रेलवे, और डीआरडीओ के लिए सीडीएस एफ कैट। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएंगी, केवल मेरी नहीं, यानी कि एक सिंगल फीस में आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं इसमें। तो ये बेहतरीन मौका है यार पढ़ाई करने का, घर बैठ के आराम से बस पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ हिमांशु, में प्रैक्टिस सेट ही चल रहे हैं मेरे। गेट सब्सक्रिप्शन पर अगर मैं जाता हूँ तो उसके बाद देखो, अगर आप डीआरडीओ के स्टूडेंट हो, मेरी बात सुनना कि कौन कौन कैटेगरी वाले कितने कितने महीने का ले सकते हैं। डीआरडीओ वाले आप 1 महीने का और 3 महीने का ले सकते हो इसमें से, ठीक है। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे वाला स्टूडेंट मिनिमम मिनिमम 6 महीने का और अधिकतम 12 महीने का ले ले, जिससे आपको रेलवे पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो बैंक वाला स्टूडेंट है, तो बैंक तो भैया लगातार एग्ज़ाम करवा रहा है, आपको बैंक का मिनिमम 12 महीने का लेना है। अगर आपसे मैं बात करूँ यूपीएससी, तो यूपीएससी आपको 12 या 24 महीने का लेना है, 12 और 24। क्यों सर? क्योंकि भैया यूपीएससी की तैयारी 1-2 महीने में कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। एनटीपीसी का पूरा कोर्स रेलवे वाली कैटेगरी में आपको मिल जाएगा, मेरा पूरा का पूरा कोर्स वहाँ पढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा कोर्स है मेरा, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, बिना किसी दिक्कत के आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है वहाँ पर, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप टेंशन ना लो। तो आप साहिल 10 कोड लगाओगे, आपसे पूछता है कोड क्या लगाना है डिस्काउंट के लिए, तो साहिल 10 लगाकर आप उसे अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, यहाँ अप्लाइड कर दोगे ना तो यहाँ रेफरल कोड अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है आपको रेफरल कोड अप्लाइड, ये आ जाएगा आपका रेफरल कोड अप्लाइड हो गया। यहाँ रेफरल कोड अगर अप्लाइड हो गया, इसके बाद में आपको साहिल 10 लगाना कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ, साहिल 10 बिना किसी गैप के आपको लिखना है, ठीक है ना, बिना किसी गैप के आपको साहिल 10 लिखना है। चलिए तो सैटरडे संडे वाला करवा दो डीआरडीओ का, वो मैंने ऑलरेडी आपको डेमो के लिए करवा दिया है, अब नहीं करवाऊंगा वो, क्यों? क्योंकि मैं पहले ही 6 करवा चुका हूँ, अब सारे पेड में चलेंगे और पेड में ही सारी क्लासेस होंगी।
डीआरडीओ के लिए आपको सीडीएस एफकेट वाला कोर्स लेना है, कैटेगरी में लेना है और साहिल 10 कोड लगाना है, आपको सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स मिल जाएंगे। और इतना आप सोचो मत लेने के लिए, क्योंकि आप अगर ले लोगे तो आपको डेफिनेटली आपको नंबर अच्छे होंगे और सिलेक्शन भी होगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको अधिक जानकारी भी दे दूँगा अपने बारे में, या फिर अपने कोई पीडीएफ है, जैसे मैंने अभी सीएचएसएल का पेपर कराया उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम बहुत उपयोगी चीज़ है आपके लिए, ठीक है डियर। तो देखो अनअकैडमी पर है ये सारा सब कुछ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद अपना गोल आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अपने आप। तो मेरे साथ जुड़िए और अच्छी तैयारी करिए, और सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स आपको मिलेंगे, बेफिक्र होकर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, ठीक है ना। खुश रहिएगा, आसानी से आराम से पढ़ते रहिए।